कि 500 का फ्यूल लेने पे भी ना कुछ नहीं होता। 500 का फ्यूल लेने पे बस ये हर मंथ मैं पेमेंट उठाता था यूट्यूब से, एंड उसके बाद मुझे कार इस पास से भी मिल ही जाता था पैसा। उठने के बाद कोई सेविंग्स नहीं था अपने पास, और यूट्यूब पेमेंट भी यार अभी बहुत डीले होके आ रहा है। ये क्या हुआ? उठा 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 जा। सो हे वेरी गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, होप सो कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी बस शाम को मैं निकला हूँ एक शॉर्ट राइड के लिए, एंड अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो शाम के 5 बज चुके हैं, एंड एज ऑलवेज आई एम आउट फॉर मोटो ब्लॉग। तो बस शाम हो चुके थे एंड मुझे निकलना था, तो मैं निकल चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड यार देखो, अभी एक अपना ऐसा सीन चल रहा है ना कि अभी मैंने एक राइड प्लान किया था, बट यार अनफॉर्चुनेट वो मैंने पूरा नहीं कर पाया। और अब देखते हैं नेक्स्ट संडे क्या होता है। ऐसे तो यूजुअली मतलब जाने को तो कभी भी जा सकता हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि अकेले जाने में मज़ा नहीं आएगा, कोई एक बंदा भी साथ में जाने वाला चाहिए ना। तो आई एम जस्ट फाइंडिंग समवन जो मुझे ज्वाइन करे, एंड कोई एक बंदा साथ रहता तो मज़ा भी आता है थोड़ा सा कहीं जाने में। बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है बाइक में यार, क्या बताओ। अभी रिसेंट ना इसकी पीछे वाली जो ब्रेक पैड्स थी उसको मैंने चेंज कराया 3 दिन पहले, एंड ऐसा हुआ कि कल मेरा इंडिकेटर टूट गया था, तो आज मैंने 2 नए इंडिकेटर डलवाए इसमें वो, एंड अभी चैन स्प्रोकेट ख़राब हो चुका है तो उसको भी चेंज कराना है। एंड जस्ट राइट नाउ अभी इसको मैंने फ्यूल अप भी कराया है, बट फिर भी फुल नहीं हुआ यार। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है ना कि 500 का फ्यूल लेने पे भी ना कुछ नहीं होता। सो लाइक कि अर्लियर इट वाज लाइक कि अपने पास पैसों की कमी नहीं थी, आई वाज अर्निंग मनी, लॉट्स ऑफ मनी। तो पहले बहुत ज़्यादा पैसे थे अपने पास और अभी नहीं रहे। रीज़न इज़ दैट कि अर्ली आई वाज डूइंग अ जॉब, तो पहले जॉब वॉब था। तो सो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आई वॉज वर्किंग एज अ सोशल मीडिया हैंडलर फॉर द कार स्पा पटना रिटेलिंग स्टूडियो। तो कार स्पा के लिए मैं एज अ सोशल मीडिया हैंडलर वर्क करता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वहाँ मैं नहीं रहा। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न बता के क्या ही करना है। तो यार बस ये समझो कि अब अपना जॉब अपने हाथ में नहीं रहा, जॉब छूटे हुए 1 महीने हो चुके हैं, एंड यार क्या बताओ यार, बहुत इमोशनल हो गया सोचो। तो यार देखो ऐसी बातें तो मैं करना नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, बट फिर भी यार देखो आज दिल की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि अकेले हूँ। अकेले में बंदा हमेशा दिल की बात करता है, कभी कोई झूठ फरेब वाला बात होता नहीं है। तो यार दिल की बात कह रहा हूँ ना कि मतलब 1 महीने हो चुके जॉब छूटे, एंड मैंने कोई सेविंग्स करके नहीं रखा था। मेरे को नहीं लगा था ना कि अपना ऐसा टाइम आएगा लाइक कि हर महीने पैसे आ ही रहे थे। उस टाइम यूट्यूब से भी अच्छा पेमेंट आ जाता था, लाइक कि हर मंथ पे गैप वैप नहीं था, हर मंथ मुझे मतलब हर मंथ मेरे पेमेंट बनते थे, हर मंथ मैं पेमेंट उठाता था यूट्यूब से, एंड उसके बाद मुझे कार इस पास से भी मिल ही जाता था पैसा। तो मिला जुला के अच्छे खासे पैसे होते थे अपने पास। तो ड्यूटी विच कभी सेविंग्स के बारे में मैंने सोचा नहीं, हमेशा उड़ाते गया घूमते गया, बट यार अब जॉब छूटने के बाद कोई सेविंग्स नहीं था अपने पास, और यूट्यूब पेमेंट भी यार अभी बहुत डीले होके आ रहा है। ड्यूटी विच की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है मुझे, एंड घर वालों से मांगने में अच्छा नहीं लगता है। शुरू से ही मेरा आदत नहीं है घर वालों से पैसे मांगने का, तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो वेल प्रॉब्लम तो लाइफ में सबके हैं, ठीक है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट एक बात ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार देखो अभी अपने सब्सक्राइबर हो चुके 38 पॉइंट कुछ, बट व्यूज़ की बात करें तो 100-200 व्यूज आते हैं। और यार मतलब पिछले 2 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बट जैसा रिजल्ट मैं सोच रहा था, जैसा रिजल्ट होना चाहिए था वैसा है नहीं। और देखो अपने को तो उतना बुरा नहीं लगता है, चल जाता है कि चलो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि लोग जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं लाइक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ एज बीइंग अ यूट्यूबर, मुझे ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगता है कि लोग मेरे बारे में मेरे पीछे क्या बात करते हैं। तो यार लोग जो है ना मेरे पीछे में मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लाइक कि यार क्या होने वाला है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ वैसा कुछ, अभी पढ़ने की उम्र थी पढ़ लेते। तो ये सब चीज़ मुझे भी फेस करना पड़ता है। जितने भी नए क्रिएटर हो भाई, आप लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि यार देखो स्टार्टिंग फेज पे ना मैं भी बहुत कुछ सुना हूँ और आज भी सुनता हूँ, क्योंकि यार अपने भी अभी व्यूज़ बहुत डाउन है, तो अभी भी मुझे सुनना पड़ता है, सब्सक्राइबर भी नहीं उतने, तो सुनना पड़ता है कि यार 2 साल हो चुके, कहाँ कुछ किया तूने, इतने में कहीं जॉब करता या इतने में पढ़ाई करता तो कुछ तो हो जाता तेरा, कहाँ जा रहा है तेरा फ्यूचर। तो ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से, बट टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, बस अपना काम करते रहो। मैं बस यही लिटरली
भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं भी हो जाता हूँ, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर कि यार 2 साल हो चुका है एंड 2 साल होने के बाद भी यार ना जिस ड्रीम के साथ मैं यार यूट्यूब आया था ना, वो ड्रीम अभी तक अपना पूरा नहीं हुआ। मतलब जिस होप के साथ यूट्यूब पर मैं आया था, जिस मोटिवेशन के साथ मैं तब काम करता था ना, अब वो मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला गया यार, पता ही नहीं चलता मुझे कि वो मोटिवेशन वापस कैसे लाऊं। और मतलब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, बट व्यूज़ नहीं आते चैनल पे। एंड हर बार एक चीज़ का रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करता हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करो, क्योंकि देखो व्यूअर्स आप लोग हो तो आप लोग की डिमांड से वीडियोस बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। पहले अभी अपने बाइक को देखो एक बार, तो अपने बाइक को एक बार देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो बस आज ही इसको मैंने क्लीन किया है, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी भाई, तो गंदा बाइक चलाने में ना मज़ा नहीं आता, जिसके वजह से इसको मैंने पूरे अच्छे तरह से क्लीन किया है। एंड क्लीन करके देन उसके बाद इंडिकेटर्स नया डलवाया मैंने कि ये ख़राब हो चुका था। वेल ये ठीक नहीं चल रहा भाई, इसको भी चेंज करवाएंगे। तो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। लोगों को क्या लगता है ना, बहुत सारे नए क्रिएटर्स हैं मेरे से छोटे छोटे, मेरे एज से छोटे छोटे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मुझसे बातें करते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है देख के कि यार मतलब क्रिएटिव विवेक को तो कोई परेशानी होता ही नहीं होगा। मैं क्या भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आज इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी होंगे ना, जो आज महीने के लाखों रुपए कमाते होंगे ना एक टाइम पे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जब हुआ तब हुआ, बट उन लोगों ने उस चीज़ को फेस किया एंड प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो उसका सॉल्यूशन तभी होगा जब आप सक्सेसफुल हो गए। यार स्टार्टिंग डेज में सबके पास ऐसा ही सब कुछ होता है, नॉर्मल बाइक्स होती हैं, नॉर्मल ग्लव्स होते हैं, नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट आने वाले टाइम पे ना वो सब कुछ बदल देते हैं और बस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। वेल अभी मैं भी वही कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, उठा 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 जा भाई साहब, गलत सीन हो गया भाई साहब यहाँ पे। गलती किसका है पता चला, इनका गलती, अचानक से ब्रेक किए ना इसके वजह से गिर गए। हम कॉल कर रहे हैं 2 मिनट में। जाम लग रहा है, बाइक हटा लीजिए अंकल। अरे जाने दीजिए अंकल, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए होता है अंकल जी, छोड़ दीजिए, इतना गर्म नहीं हुई है। अरे पूरा ट्रैफिक लग जाएगा अंकल, आप अपना बाइक हटा लीजिए अंकल, जाम लग रहा है, हटाइए बाइक, हटा लीजिए, रहने दीजिए अंकल, रोड में होता है। अरे समझाइए ना जी, समझाइए ना, साइड करवाइए। अजीब हाल है बाबा, पूरा ट्रैफिक लग गया बाबा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, छोड़ो हटाओ। देखा अभी आप लोगों ने यार क्या हाल हुआ यहाँ पे, अचानक से यार ऐसा हो गया। हम लोग आराम से निकल ही रहे थे तभी आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ सीन। अभी आराम से बाबा, क्या हाल है, एकदम इतना हड़बड़ी काहे का है। जी भाल है यार, इधर ना स्पीड में चौराहे पे चला रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि अभी जस्ट देखा आप लोगों ने कि मैं आराम से गली से निकल ही रहा था कि अचानक से ये सीन हो गया। एंड उसमें गलती किसकी थी ये तो मैं कह नहीं सकता क्लियरली, मैंने खुद नहीं देखा और अपना कैमरा भी ऑफ था उस वक्त जब वो गिरे, और वो गिरे कार पे, तो बेचारा कार वाला तो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि अंकल जी पहले से बहुत ज़्यादा गर्म थे, बट सामने वाले जो बुलेट पे चल रहे थे अंकल, उनकी गलती है मुझे लग रहा है इस चीज़ को देखते हुए कि उन्होंने अचानक से जो ब्रेक किया ना स्पीड में चलते हुए, जिसके वजह से ये स्कूटी वाले अंकल उसमें घुस गया एंड घुसने के बाद अनबैलेंस होने के बाद वो गिर गए वहाँ पे। तो यार देखो दो चीज़ है कि रोड पे ना अपना खुद का सेफ्टी खुद करना पड़ता है एंड आपके पास राइडिंग का स्किल होना चाहिए या ड्राइविंग का, तभी रोड पे निकलो अच्छे से आप लोग,
क्योंकि अपने बाइक को या कार को मतलब बैलेंस करना ना आपको खुद आना चाहिए अच्छे लेवल तक, तभी आप रोड पे आराम से पूरा सेफ चल सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि इतना पैनिक नहीं होना चाहिए किसी भी मैटर पे यार। इतनी छोटी छोटी बातों पे ना इतना पैनिक हो गए तो फिर रोड पे चलना तब तो हो गया, क्योंकि ऐसा होते रहता है रोड्स पे, क्योंकि अगर आप हर बार लड़ाई करोगे तो फिर तो यार आप रोड पे चल लिए। वापस से मैं आ चुका अटल पथ पे एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू द होम। तो घर चलने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं वापस घर के तरफ। एंड आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, एंड आई होप सो कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड यार एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार देखो आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, भाई को सपोर्ट करोगे यार तभी भाई आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को कैसा व्लॉग्स चाहिए, उस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। इफ़ यू से टू डू लाइफस्टाइल व्लॉग्स देन आई आल्सो डू लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो जितने लोग चैनल पर हैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको मोटो व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फूड सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड चीज़ मिलेगा मेरे चैनल पर। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को इन सब चीज़ों को देखने के लिए, एंड आज की इस वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। तो चलो गाइस करते हैं आज की इस वीडियो पे एंड, एंड मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।